Hello guys, welcome back to the channel. तो कैसे हैं आप लोग सब? I hope you guys are safe and good. Guard, how to take a guard and how much guard is important for a batsman. तो guard very important होता है batsman के लिए, क्योंकि उसको idea होता है कि वो leg stump में खड़ा है या middle stump में खड़ा है या off stump में खड़ा है. इससे क्या होता है, आप जो लेग स्टंप, मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप के बॉल है वो आसानी से खेल सकते हैं, और जो ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा है उसको आप मिस कर सकते हैं. तो आप बात करेंगे हम क्रिकेट में कितनी तरह की गार्ड ले सकते हैं और ली जा सकती है. तो यू कैन टेक 5 टाइप्स ऑफ गार्ड्स इन क्रिकेट व्हेन यू आर बैटिंग. सो द फर्स्ट वन इज लेग स्टिक. लेग स्टंप आप ले सकते हैं, फिर मिडिल स्टंप ले सकते हैं, ऑफ स्टंप ले सकते हैं. और दो गार्ड कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि 50 ओवर्स और T20 सब अपडेट होने लगे हैं, गेम सब क्विक होने लगा है, तो दो और गार्ड ऐड होने लगे हैं. बैट्समैन लोग यूज़ करते हैं वो दो गार्ड. तो वो गार्ड है मिडल एंड लेग. जैसे कि आप अंपायर को देखें आप मैचेस में, जैसे कि बैट्समैन पूछता है वन लेग. सो द सेकेंड इज मिडल एंड ऑफ. तो हो गए 5. ये मिडल एंड ऑफ, मिडल एंड लेग. तो 5 गार्ड हो गए. आप कोई भी गार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेग स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल स्टंप भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ स्टंप भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ और दो गार्ड है जो कि मिडल एंड लेग है और मिडल एंड ऑफ है. तो आप कोई भी गार्ड यूज़ कर सकते हैं कम्फर्टेबली. सो गाइस, आज के लिए इतना ही था. मैंने ट्राई की कि मैं कुछ बता सकूं आप लोगों को, जैसे कि गार्ड कैसे ले सकते हैं और किस किस तरह के गार्ड होते हैं क्रिकेट में. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट न्यू नोटिफिकेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम एंड स्टे सेफ.